यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली है। आज की वीडियो में भाई साहब आपको एक नहीं दो दो जगहें दिखानी है, और दोनों जगहें ऐसी हैं जो मतलब जिनका कोई मुकाबला नहीं है। एक तो है जी बहुत ही कमाल के पराठे, मतलब माना जाता है पंजाब के नंबर वन पराठे हैं, और दूसरी वो अभी नहीं बताऊंगा, वो वीडियो जब पराठे की खत्म होगी ना तब आप चेक करना। सत श्री अकाल सिंह साहब, थैंक यू जी आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर नाम बता दो जी अपना। सुरेंद्र सिंह है जी। तो सुरेंद्र भाजी, अभी हम लुधियाना से आए हैं, जब बठिंडा आए हैं तो पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक दुकान है पराठे की, ये खालसा जी ऐसे पराठे देते हैं कि पूरे पंजाब में नहीं मिलते। सर ऐसा क्या अपने पास बताओ थोड़ा। ऐ जा सीक्रेट तो साडे कोल कोई भी नहीं है जी, नॉर्मल पराठे बनाने लोग पसंद करते जी। वाह, तो क्या क्या होता सर अपने पास, एक बार सेटअप दिखाओगे आप अपना। हाँ जी यार, साडी किचन है जी लाइव। पराठे कौन कौन से तरह के सिंह साहब अपने पास? सर सारी है जी, आलू गोभी मूली प्याज पनीर मिक्स ड्राई फ्रूट। तो सर इससे पहले आप क्या कर रहे थे पराठे बेचने से पहले? इस तो पहले जी मैं फार्मा कंपनी की मेडिकल रैप सीखा। मतलब सर तब आप मेडिकल लाइन में काम कर रहे थे, और आज आपको लोग पराठा किंग बोलते हैं बठिंडा में, भाई अगर पराठे खाने तो खालसा जी से बढ़िया कहीं नहीं मिलते। नहीं सर ऐसा नहीं कोई सोच रहे, पर ठीक है शुक्र है हमारा इधर लोग पसंद करते हैं। वाह भाई, मैं सुना बड़ी स्पीड में पराठे बनाते हैं, और मतलब आपकी स्पीड का मैच नहीं कोई। अब पराठे यार ऐसी चीज है ना जो अपने घरों में, सिंह साहब तुसी भी अपने माता जी के हाथ में बहुत खाए होने पराठे। हां जी बिल्कुल सर, मतलब जो पराठा है ना वो एक पंजाबी घरों की यार ऐसी आइटम है जो रोज बनना ही बनना है, चाहे प्लेन बने चाहे सब्जी वाला बने, पर बनता जरूर है पराठा। अरे वाह सर, एक बार दिखाना, अच्छी खासी स्टफिंग आ गई यार पराठे के अंदर, और ये हो गया रोल। इन सब कितनी देर का एक्सपीरियंस हो गया आपको यहाँ पे? सर हो गए जी 6 साल हो गए जी। 6 साल का एक्सपीरियंस, और पारी रोल देखो कितनी बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं जी पराठे को, बड़ा ही कमाल का पराठा बन गया जी। सर साइज भी काफी बड़ा अपने पराठे का, यार ये आ गया तवे के ऊपर पराठा। तो यार देसी घी के पराठे मिलेंगे आपको यहाँ पे, और पराठे का साइज काफी बड़ा है, अगर आप तवे के कंपेयर करो ना। ये देखो पराठा, देखो यार क्या कमाल, फ्लिप पे फ्लिप जाके, और मतलब काम होता तेज है पर जल्दबाजी में नहीं होता। पराठे को प्रॉपर सेक के सारी साइड से प्रॉपर घी लगा के बढ़िया से रोस्ट किया जाता है। क्या क्या रेट की होता है सर पराठे अपने पास? 60 रुपये का जो पराठा जी। वाह यार 60 रुपये का पराठा, पराठे का साइज चेक करो, क्या कमाल का पराठा लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। अब ये हुई कटिंग जस्ट लाइक पिज्जा, और फोल्ड होकर सीधा प्लेट के अंदर। ये सब अपना मिक्स पराठा ना जी? हाँ जी सर मिक्स पराठा जी। तो मिक्स पराठे के अंदर है प्याज आए, पहले आलू आए, गोभी है, ये बारा पनीर। साडे को जिन्ने पराठे बनदे है जी वो सारा सामान इसे मिक्स करके बना लेंगे। ओके सर, नमक मिर्च अजवाइन बस तीन चीजें ही पाले। अच्छा, और चौथा मसाला नहीं सी। अब ये चेक करो जी, ये हो रही है जी मिक्सिंग, मतलब जो सारा कमाल है सिंह साहब पराठे के अंदर वो अपना ये मसाले का ही है। बस सर नॉर्मल मसाले जी, नमक मिर्च अजवाइन है, असी मतलब ऐ जा कुछ नहीं यूज करते जेड़ा सेहत वास्ते हार्मफुल होवे। तो ये लग रहा है जी सिंह साहब का सबसे ज्यादा बिकने वाला मिक्स पराठा, सबसे ज्यादा सर इसकी सेल है ना मिक्स की? हां जी, ज्यादा जेड़े स्पेशल लोग खाना दे जो मिक्स दी डिमांड ही करदे करते। और सर अपनी दुकान का नाम क्या है? सर दुकान का नाम है खालसा देसी घी पराठे जी। खालसा देसी घी पराठे, तो यार नाम में ही देसी घी है, मतलब बताने की जरूरत नहीं कि पराठे किस चीज में बनते हैं। अब ये आ गई जी ढेर सारी स्टफिंग, हुआ जैसा बताया ना सिंह साहब ने कि जितना आटा उससे ज्यादा स्टफिंग है, वही काम है। स्टफिंग के मामले में अब निराश नहीं हुए कभी, ये स्टफिंग कम में पराठे में ताकत और मोटा पराठा है, पर ये वो चीज़ नहीं कि भाई साहब सिर्फ आटा ही आटा, बिल्कुल सिंह साहब बिल्कुल सर इसके अंदर प्रॉपर स्टफिंग भरी हुई है। अब आपको ऊपर से चेक भी हो रहा है, ये देखो, और ये आ गया जी देसी घी। वाह, अब ये लुक चेक करो यार पराठे की। वाह तो भाई ये आ गया जी खालसा जी का फुल्ली लोडेड ना, मतलब इतना का भारी पराठा भी ये आधा उठाया मैंने, और मेरे घर पे बनने वाले नॉर्मल डेढ़ पराठे के बराबर इनका आधा पराठा, तो आप देख लो यार कितना हैवी वेट पराठा है। और स्टफिंग देखो अंदर ही था, वो पास में ऐसे नहीं पता लग रहा है, देखो कमाल की स्टफिंग है यार। अब पता लग रहा आके यहाँ पे, मतलब सुना बहुत था मैंने कि भाई इनके जैसे पराठे मिलते नहीं, अब देख के पता लग रहा क्यों इतना लोग दीवाने हैं। अब ये दही में कराते हैं इसको स्नान, डुबकी यार, स्वाद ऐसा है जब आपके घर पे पराठे बनते हैं। आप कई बार अपनी मम्मी को बोल देते ना कि मम्मा स्टफिंग ज्यादा कर देना आटा कम, नॉर्मली हर कोई यही बोलता है कि पेड़ा कम रखना स्टफिंग ज्यादा, तो वैसे ही पराठा है यहाँ पे, पराठा 60 रुपए का जरूर है, नॉर्मल आप 30-40 वाले दो खाओगे 70-80 रुपए स्पेंड करोगे, यहाँ पे 60 रुपए लगाओ एक ही पराठा खाओ और मौज मनाओ। और देसी घी हो ना एक दो ऐसे आया, मतलब पराठे के ऊपर नहलाया प्रॉपर पराठा,
देसी घी के साथ। बाकी इनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई नेक्स्ट लोकेशन जिसका बारे में बताया कमाल के, फटाफट आ जाओ, मिस मत करना। ये चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हो, जो आपको बोला था ना वीडियो में भाई अगली वाली चीज कमाल है, वो ये चीज यही है। अब क्या है उसके लिए आप पूरी आगे वीडियो चेक करो। फिर अभी हम आ चुके हैं सिंह साहब के पास, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। सत श्री अकाल सिंह साहब। सर बड़े तरह के कुलचे खाए मैंने पंजाब में, मतलब पंजाब में तो हर तरह का कुलचा पंजाब में मिलते हैं, जैसे स्टफ वाला कुलचे, छोले, पिज्जा कुलचा भी आजकल बड़ा मशहूर हो गया। पर भाजी मैंने सुना आप एक ऐसी आइटम बेचते हो मतलब पंजाब में और कहीं मिलती नहीं, ऐसा कौन सा कुलचा सर अपने पास? अपने पास मिलता है लेजेंड कुलचा। लेजेंड कुलचा, तो सर नाम कैसे पड़ा लेजेंड कुलचा? शुरू से डिफरेंट का और जैसे प्यार था भाई के साथ मूसे वाला था, आपके नाम पे आपने डाला लेजेंड कुलचा। वाह वाह, अब ये बन रहा है जी लेजेंड कुलचा। आप सामने चेक करो, ये तवे पे आ गए छोले, साथ में आई मूसी और आ गया जी कैप्सिकम और आ गई कैबेज, आ गई कैरेट, अब ये आ गई जी महंगी वाली शिमला मिर्च यानी येलो बेल पेपर। यार ये लेजेंड कुलचा और समझ आ रहा है लेजेंड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लेजेंडरी सामान है भर भर के भाई। आलू छोले न्यूट्री और ये हो रहा मैश हुआ। अब ये आ गया जी कुलचा, कुलचे का बीच में से जो है ना चीरा हुआ उसको कुलचा बर्गर है हमारा ये। वाह कुलचा बर्गर ही है बिल्कुल जी, बर्गर है सामने। अभी बीच में सॉस आई, प्याज आई, ढेर सारी आ गई थी कुकुम्बर आपके साथ। ये हेल्दी बर्गर है, इधर ऑयल नहीं आया, ज्यादा क्या ऑयल आया ही नहीं भाई। ये आ गया ऊपर और पनीर, भाई ऑयल आप यूज ही नहीं करते ना? नहीं जी महाराज, क्या बात है। अब ये चेक करो भाई कुलचा ना, किसी एंगल से कुलचा नहीं लग रहा। अब ये इस साइड से देखोगे ना पिज्जे जैसी लुक आ रही है, पर ये चीज स्लाइस भी आएगा ऊपर। अब ये चेक करो जी आगे ऊपर चीज, अभी आ गया ओरेगानो। भाई सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात मुझे लगी ना वो ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये भाजी लेमन 0% ऑयल वाला कुलचा भाई, थोड़ा वो ही कला बन रहा है। अभी ऊपर हल्का सा बट रहा है उसको क्रिस्पी करने के लिए कि बढ़िया कुरकुरा हो जाए। भाई कितने का है? 60 रुपए का। भाई ये आ गया सिंह साहब का कुलचा, कमाल का ही कुलचा है भाई साहब। मतलब बर्गर ढेर सारे कर लिए दुनिया के ना, मतलब कोई बर्गर मैंने छोड़ा नहीं है चैनल पे अपने ना दिखाया हो। ये चीज़ डिफरेंट है, ऐसी चीज़ मतलब लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, दिल्ली विल्ली थोड़ी जगह घुमाए भाई साहब नहीं देखी। इसमें है न्यूट्री, इसमें है आलू, इसमें आए कॉर्न्स, इसमें आए कैप्सिकम, इसमें आए ककुम्बर, इसमें आया और क्या है भाजी? और प्यार नहीं, वो तो आया, इससे पहले क्या आया? पनीर आया भाई, वो पनीर। अब नाम है जी लेजेंड कुलचा, तो आओ देखते हैं ऐसा कैसा है ये। अगर शाम को कंफ्यूज हो ना कि क्या खाऊं, तो ये खाओ क्योंकि इसमें सारा कुछ ही है। कोई वैसी चीज़ है, 60 रुपए दो कुलचे के अंदर बफे दबा के खा लो, वो वाला हिसाब है। सारे मसाले, सारे स्वाद हर एक ही चीज़ में आपको मिल जाएंगे। वो है जी लेजेंडरी कुलचा, मिस्टर सिंह कुलचा किंग बठिंडा में। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन डिस्क्रिप्शन में लोकेशन देखने से पहले भाजी ये बताओ कि वो आया कि बठिंडे वाला स्वाद। हाँ बठिंडे वाला स्वाद आ गया भाजी, क्योंकि और कहीं मिला नहीं। इनके जलंधर हुआ है नहीं मिला, हमारे लुधियाना में भी नहीं मिला, यहाँ पे है। तो आ जाओ।